वरुण बेवरेज के शेयर बुधवार 11 सितंबर को 4% से अधिक उछलकर 1588 रुपए के स्तर तक पहुंच गए। कंपनी के शेयरों में ये तेजी उसके स्टॉक स्प्लिट के ठीक एक दिन पहले आई है। वरुण बेवरेज ने अपने शेयरों को 2:5 के अनुपात में बांट रही है, यानी स्टॉक स्प्लिट कर रही है। इस स्टॉक स्प्लिट के लिए कल 12 सितंबर को रिकॉर्ड डेट है। इसका मतलब है कल से इसके शेयर खरीदने वाले निवेशकों को स्टॉक स्प्लिट का लाभ नहीं होगा। वरुण बेवरेज ने बताया था कि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 12 सितंबर को रिकॉर्ड डेट तय किया है। रिकॉर्ड डेट वह तारीख होती है जिसके आधार पर कंपनी ये तय करती है कौन से उसके शेयरधारक स्टॉक स्प्लिट के लिए योग्य हैं। स्टॉक स्प्लिट के तहत कंपनी अपने 5 रुपए के फेस वैल्यू प्रत्येक शेयर को तोड़कर 2 रुपए के फेस वैल्यू वाले शेयर में बांटेगी। इसका मतलब है कि कंपनी के प्रत्येक योग्य शेयरधारक को हर 2 शेयर को 5 शेयरों में बांटा जाएगा। बता दें कि इससे पहले जून 2023 में भी वरुण बेवरेज ने अपने शेयरों को 1:2 के अनुपात में बांटा था। उस वक्त कंपनी के 10 रुपए के फेस वैल्यू वाले प्रत्येक शेयर को 5 रुपए के फेस वैल्यू वाले 2 शेयरों में बांटा गया था। आमतौर पर कंपनी अपने शेयरों का दाम कम करने के लिए स्टॉक स्प्लिट का सहारा लेती है। स्टॉक स्प्लिट से उनके शेयरों का भाव घट जाता है और ये छोटे निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक बन जाता है। हालांकि ये ध्यान रखना चाहिए कि स्टॉक स्प्लिट से कंपनी की मार्केट वैल्यू या शेयर धारकों के पोर्टफोलियो में कोई बदलाव नहीं आता। स्टॉक स्प्लिट से सिर्फ शेयरों की संख्या बढ़ जाती है जिससे स्टॉक में लिक्विडिटी पहले से अधिक हो जाती है। हालिया जून तिमाही में वरुण बेवरेज का शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 26% बढ़कर 1,262 करोड़ रुपए रहा। वही इसका रेवेन्यू उस दौरान 28.3% बढ़कर 7,333 करोड़ रुपए रहा। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जून तिमाही में 31.8% बढ़कर 1,991 करोड़ रुपए और उसका मार्जिन 0.74% बेहतर होकर 27.7% रहा। कारोबार के अंत में वरुण बेवरेज के शेयर 3.50% की तेजी के साथ 1,573.15 रुपए के भाव पर बंद हुए। इस साल की शुरुआत से अब तक कंपनी के शेयरों में करीब 26% की तेजी आई है। वहीं पिछले एक साल में इसने अपने निवेशकों को करीब 71% का रिटर्न दिया है।